अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के महाना दरसे कुरान मजीद में आपने सूरतुल कसस की आयत नंबर 32 समात फरमाई है। सूरत नंबर 28 पारा नंबर 20। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु ने जिस कौम के पास भी जिस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा है, उस कौम का जो कल्चर था या उस कौम की जो स्पेशल चीज़ें थी, अल्लाह ताला ने उस कौम के नबी अलैहिस्सलाम को उन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा सुप्रीम ताकतें और कुव्वतें अता फरमा कर भेजा। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, उस वक्त तिब की बड़ी मांग थी, तिब बड़ा उरूज पे था, ऐसी ऐसी दवाइयाँ और मेडिसिन बनाई गई। अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात जो अता फरमाए, उनमें सबसे काबिले क़दर शय ये थी कि तुम दवाइयों से बीमारों का इलाज करते हो, मैं फूंक मार के उसको शिफा दे देता हूँ। ये चैलेंज होता था अल्लाह की तरफ से कि देखो, मैंने इस पर्सन को जो ख़ास कुव्वतें दी हैं, है कोई मुकाबला करने वाला? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए, जादू का बड़ा ज़ोर था और वो जादू से चीज़ों की शक्लें और हयातें बदल देते। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता फरमाए, उनमें से 2 ये हैं कि जब अपने हाथ को अपने लिबास के अंदर डाल के बाहर निकालते तो बेदाग चमकदार होता था, और जब अपना असा ज़मीन पर फेंक देते थे तो वो एक अजहा की शक्ल इख्तियार कर जाता था। फरमाया, देखो हमने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी शानदार निशानियाँ अता फरमाई। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु ने उस दौर, उस वक्त, माहौल और कैफियत के एतबार से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पावरफुल शय अता फरमाई मोजज़े के तौर पे, वो कुरान मजीद है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान है। फसाहत, बलावत उरूज पर थी और लोग अपने अपने फसीह व बलीग कलाम कागज़ों के ऊपर लिख कर बैतुल्ला की दीवार के साथ लटका देते और ओपन चैलेंज देते कि है कोई हमारी इस बात का जवाब देने वाला। तो जब सूरत कौसर नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको लिख के तो लटका दो काबे की दीवार से और कहो कि है कोई रब की बात का जवाब देने वाला। बड़े बड़े शोरा ने कोशिश की कि हम इसका जवाब लिखें, लेकिन जवाब नहीं लिखा जा सका। कुछ ने लिखा भी तो जो उसके दूसरे साथी बलागत व फसाहत वाले थे, उन्होंने कहा भाई इसमें ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला नहीं कर सका। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से सबसे बड़ा मोजज़ा। इसमें और पहली किताबों में फ़र्क है। पहली किताबें अंबिया को दी गई, लिखी हुई, बुला लिया जाता, फलां जगह आ जाओ, रोज़े रखो, किताब ले जाओ, तख्तियां पेश कर दी जाती। ये किताब उतरी है पढ़ी हुई, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसको नाजिल किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर पर इसको महफूज किया, फिर आपने लोगों को सुनाया, फिर लोगों ने इसको बाद में लिखा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से सबसे बड़ा मोजज़ा, एक कन्फ्यूजन इसके बारे में है, उसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो बड़े गौर से सुन। उसके लिए पहले मैं एक हदीस सुना देता हूँ, फिर मैं बात करूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो अपनी अपनी कौमों में सियासत करते होते थे, यानी निज़ाम ममलिकत चलाते थे। जब एक नबी विसाल कर जाता, ये विसाल मैं कह रहा हूँ, वहाँ हदीस में हलाका का लफ्ज़ है, एक नबी हलाक हो जाते तो उसके बाद जो उसका नायब बनता वो भी नबी होता। तो आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्योंकि ख़ातमुन नबीजीन हूँ,
इसलिए मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा लेकिन खुलफा होंगे, खुलफा। और वो खुलफा किन के हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो एक सोच और फिक्र डेवलप की जा रही है जिससे खुलफा का कुल्ली इनकार हो जाता है और कहा जाता है कि कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है, बंदा कोई खलीफा नहीं। और एक इख्तिरा ज़ेनी तैयार की गई और वो क्या की गई, कहा देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कुरान का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो वो खलीफा होता जिसने हमेशा रहना है। अबू बकर सिद्दीक विसाल फरमा गए 2.5 साल के बाद, उमर बिन ख़त्ताब 10 साल के बाद, उस्मान गनी 12 साल के बाद, हज़रत अली मुर्तज़ा 5 साल के बाद, वो भी वफात पा गए, शहीद हो गए। तो सब आहिस्ता आहिस्ता चले गए, कुरान मजीद नहीं गया। तो ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है, ये एक खुद साख्ता बनाई हुई बात जो हकायक से हटके है और गलत है, हकायक से हटके गलत है। अब समझे इसको, कुरान मजीद को किसका खलीफा बनाया? हुजूर पाक का। तो कुरान मजीद से पहले हुजूर पाक हैं, उनका कुरान को नायब बनाया। तो ये उसूल कहाँ से निकाला कि जो खुलफा थे उन्होंने विसाल कर जाना था, इसने यही रहना था तो इसलिए रसूलुल्लाह का खलीफा बना दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कैसे हो सकता है जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल हैं? और कहानी ये बनाई गई कि क्योंकि खुलफा विसाल कर जाने थे इसलिए इसको विसाल, इसलिए इसको खलीफा बना दिया, हालांकि जो असल है वो खुद विसाल कर गए। बात समझ आई? असल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी 63 साल ज़िंदगी गुजार के खुद चले गए। तो फिर कैसे मुमकिन है कि खलीफा ना जाता? पिछले अंबिया में से कोई नबी बाकी रहा? सब अपने अपने दौर के मुताबिक चले गए, उनके खुलफा भी चले गए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो अपना दुनिया में ज़ाहरी वक्त गुजार के चले गए, उनके खुलफा भी चले गए। कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा नहीं है, कुरान शरीफ अल्लाह का मोजज़ा है जो उसने रसूलुल्लाह को अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा में सबसे पहला नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का है, तीसरे हज़रत उस्मान गनी का है, चौथे मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा का है, पाँचवें नंबर पर हज़रत इमाम हसन है। ये है खिलाफत राशिदा अला मिन हाजिन नबुवा। इस तरतीब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफराद ने खिलाफत का सारा सिलसिला सरंजाम दिया। अब क्योंकि मामलात से आगाही नहीं होती तो कहते हैं हाँ यार लॉजिकली तो बात बिल्कुल ठीक है कि कुरान ने तो हमेशा रहना, कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और ये सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है, पहले सारे अम्बिया मौजज़ात ले के आते थे, जब वापस जाते थे तो मौजज़ात ले जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़ात को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बना के भेजा और मौजज़ात आपसे ज़हूर पज़ीर हुए। उन मौजज़ात में कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है। आप जब दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो उम्मत को कुरान का मौजज़ा अता फरमा गए। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये रसूलुल्लाह का खलीफा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा निज़ाम में ममलिकत में सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, उमर बिन ख़त्ताब हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा हैं, अफराद हैं। ये रहबर और रहनुमाई के लिए किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और अपनी अहले बैत। एक दूसरी जगह पर फरमाया, मैं तुम पर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत। दूसरी क्या है? तो दोनों हदीस को मिला ली जाए तो तीन चीज़ें बनती हैं। फरमाया किताब छोड़ दी, सुन्नत छोड़ दी और अहले बैत छोड़ दी। किताब से हिदायत लेनी है, सुन्नत से वो प्रैक्टिकल लेना है जो मैंने करके दिखाया, और अहले बैत से मोहब्बत करनी है। ये तीनों चीज़ें हैं जो निजात का ज़रिया हैं और मुसलमान इनके साथ कामयाबी की तरफ जाएगा। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के आपस में तत्बीक कैसे? उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अम्मा जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कैसा है? आपने फरमाया कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा। कहा कुरान ही हुजूर का खुल्क है।
इसमें उलमा ने कहा दो तरस का खुल्क, एक अखलाक है हमारे रब के साथ, एक अखलाक है हमारे मखलूक के साथ। रब के साथ हमारा खुल्क ये है कि बग़ैर दिल में मलाल के हर वो काम करे जो रब ने फ़र्ज़ करार दिया, और बग़ैर मलाल के हर वो काम छोड़ दे जो रब ने नजायज़ और हराम करार दिया। ये रब के साथ हमारा बंदों का खुल्क है। वैसे हम बड़े तहज़ीब याफ्ता है, तो तहज़ीब का मेयार सबसे पहला ये होगा कि मेरे अखलाकियात मेरे रब के साथ कैसे। वो कहता है फ़र्ज़ मैंने नमाज की है, फ़र्ज़ मैंने रोज़े किए हैं, फ़र्ज़ मैंने ज़कात की है, फ़र्ज़ मैंने हज की है, और ये फ़राइज़ मैं पूरे ना करूँ तो मेरा खुल्क कोई माने नहीं रखता। वो कहता है मैंने हराम की है सूद, मैंने हराम की शराब, मैंने रिश्वत नाजायज़ की है, और जो चीज़ें मैंने नाजायज़ करार दी हैं उनको छोड़ दो। कहता है यार इससे तो सिलसिला नहीं चलता, तो फिर सबसे पहले मेरा खुल्क ख़राब हुआ है मेरे रब के साथ। लोगों के साथ खुल्क क्या है कि जब मैं उनके साथ मुलाकात करूं तो उन आदाब को मलूज़ खातिर रखूं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ मुलाकात में हुकूक अदा करते थे। मसलन आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आ जाओ जी, आगा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ जब गुफ्तगू करते तो आप बड़ी खंदा पेशानी से बात कर, किसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बात नहीं करते थे कि सलाम इनको किया। ये अदम दिलचस्पी की बुनियाद है, जब मैं इनसे बात करूं तो फिर मैं इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। ये है अखलाकियात, ये है तवज्जो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात सिखाने के लिए आए थे। आपके बारे में साहिब मिश्कात ने लिखा इतने कमाल अखलाक वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब कोई कहता था ना अस्सलामु अलैकुम तो आप उसके हाथ के हाथ साथ मिला के तो खड़े हो जाते, वो खड़ा रहता तो खड़े रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना हाथ नहीं खींचा था, जब खींचा तो सलाम करने वाले ने खुद ही खींचा था, चाहे वो जितनी देर मर्जी खड़ा रहता। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क था। फिर कोई अगर आपसे मिलने के लिए आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो उसकी तरफ फरमाते, और बात पूछने के बाद जब उठ के चला जाता फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और चले जाते। साहिब मिश्कात ने लिखा मिश्कात शरीफ में, सहाबा इकराम नमाज फजर की अदायगी के बाद मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक यहूदी आ गया, कहने लगा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पूछनी, बैठ गया बात पूछ ली। तो सहाबा कहने लगे भाई आप मसला हल हो गया है ना, जाओ। कहने लगा पहले ये जाएंगे फिर मैं जाऊँगा, पहले ये जाएंगे फिर मैं जाऊँगा। उसको कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात और मामूलात में नहीं है ऐसा, आप मेहमान के होते हुए कभी नहीं उठ के जाते थे, पहले तू उठ के जाएगा फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगा। तो साहिब मिश्कात ने लिखा वो फजर के वक्त आया, जोहर असर मगरिब इशा और अगली फजर तक वो ज़िद्द के साथ बैठा रहा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं बैठे, अब नहीं उठ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक के ऊपर बेमिसाल थे, जब किसी के साथ बात करते तो तवज्जो के साथ इन्हेमाक के साथ उसको वक्त देते। और हदीस शरीफ में आता है कोई कमज़ोर लाचार जिसको लोग समझते ये मेंटली डिस्टर्ब है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहता कि मैं बात करूं, चाहे वो बूढ़ा मर्द होता चाहे वो बूढ़ी औरत होती, उसका उसकी ये ख्वाहिश होती कि हुजूर मेरी अलहदा होकर बात सुने। इमाम बुखारी ने लिखा तकबीर पढ़ी गई नमाज की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से बाहर तशरीफ़ लाना था हैया अल फलाह की आवाज़ पर, यहाँ हैया अल सलाह के बाद तकबीर सारी पढ़ी गई, सहाबा खड़े हैं हुजूर आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। कितनी देर गुजर गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अर्ज़ किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपका इंतज़ार कर रहे थे आप आए नहीं। आपने फरमाया जब तुमने तकबीर शुरू की तो एक बूढ़ी औरत मेरे से बात करना चाहती थी, वो मुझे उधर दूर ले गई, मैं नमाज के लिए आना चाहता था, वो मुझे अपना मसला सुनाना चाहती थी, फरमाया वो जब तक बात करती रही फिर मैं उसकी बात सुनता रहा। कोई नहीं, आपने कहा
कि उधर जमात खड़ी है, मैं जमात के बाद तेरे से बात करूँगा, पीछे हो जा। तहम्मुल मिजाजी से उसके साथ बात की। ये वो तवज्जो है जो लोगों को देने से लोगों के दिलों की काया पलटती है। अगर हम लोगों के साथ अच्छे अखलाक और हुस्न सलूक से नहीं मिलेंगे, लोग किसी और के पास चले जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों आते थे? आपका दिल नरम था, आप ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख देते थे, आप शफकत फरमाते थे, हुस्न सलूक फरमाते, जिसकी जो तलब होती थी उसको ज़रूरत से ज़ायद अता फरमाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कमाल इनायात में से इनायात हैं जो अल्लाह ताला ने आपको खसूसियात अता फरमाई हुई थी। आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सारा, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हदीस सुनाने लगा, किताबुल मनाकिब, किताबुल मनाकिब, किताबुल अंबिया के बाद किताबुल मनाकिब है। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों की ज़रूरियात का बड़ा ख्याल होता था, इसको क्या चाहिए, और उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ तरस के मोजज़ात दिखाया करते थे। हुदैबिया का जिक्र करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ लें, तो सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर पानी नहीं है, तो आपने सुना चलो आगे चलते हैं, जहाँ पे पानी मुयस्सर आएगा वहाँ पे नमाज पढ़ लें। एक खातून दो बड़े मिशकीज़े लेकर पानी के वो गुज़र रही थी, उससे पूछा पानी कहाँ से लाई हो, वो कहने लगी कि कल मैं इस वक्त पानी के पास थी, कल मैं इस वक्त यानी 24 घंटे की मुसाफत से मैं पानी लाई हूँ। अब सहाबा कहने लगे हम तो वहाँ नहीं जा सकते, उसको कहा कि तू हमारे साथ चल। उस औरत को लेकर जिसके पास दो बड़े पानी के मशकीज़े थे रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की हुज़ूर पानी आ गया, फरमाया वार रख दो, उधर रख के उसको मुँह खोल दिया। अब वो कितना बड़ा मशकीज़ा होगा जो दराज गोश ने उठाया, 100 किलो का होगा, 200 किलो का, जब उसका मुँह खोल दिया तो 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाता, उसके अंदर से पानी बह रहा है। आपने फरमाया जिसने पानी पीना पी ले, जिसने भरना है भर ले, जिसने अपने जानवरों को पिलाना पिला दो। सारे लश्कर ने पानी शानी पिया, तसल्ली की। एक बंदा वहाँ पे वो दूर खड़ा था, आपने फरमाया तूने गुसल करना है, पानी से गुसल कर क्या, उसको गुसल करवाया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते जब सब की ज़रूरत पूरी हो गई और पानी बंद कर दिया तो वो पानी की मशकीज़ें पहले से ज़्यादा मोटी हो गई। तो आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बताओ कि हमने इसके पानी से पानी कोई नहीं लिया, हमने इसके पानी से तो खुली तो वही हुई थी, खुली तो वही हुई थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजदा था कि खुला उसका मुँह था लेकिन पानी कहीं और से आ रहा था। जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक मकाम के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पानी का ज़िक्र किया तो कहने लगे हुजूर पानी नहीं है, तो आपने फरमाया थोड़ा सा भी है तो ले के आओ। तो कहा जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पानी आपकी बारगाह में पेश किया गया एक बर्तन में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके अंदर रख दिया अपना हाथ। तो सहाबा कहते हैं हम देख रहे थे कि आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी निकल रहा है, आपकी उंगलियों से पानी निकल, हालांकि उंगलियाँ कोई शह नहीं, लेकिन कौम की ज़रूरत के लिए आपने मौजज़ा दिखाया, कौम की ज़रूरत के लिए आपने मौजज़ा दिखाया। खाना कहीं थोड़ा था तो वहाँ 2-3 बंदे, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की किताबुल फ़ज़ाइल की रिवायत। एक सहाबी, उनकी बहन ने अपने भाई के लिए कुछ 6-7 रोटियां बेची और उसको कपड़े में लपेट के फिर एक और रुमाल ऊपर लपेट के कहा यहाँ रख के लेके जाना किसी को पता न लगे। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी तो हमने इधर आओ कहा, ये जैद ने रोटियां बेची जी हुज़ूर, फिर मैं लाओ इधर लाओ, कोई बात नहीं किसी के साथ हुई तो आपने फिर रोटियाँ इधर लाओ, दो रुमाल खोले, उस रोटियों को आपने सहाबा से फरमाया इसके टुकड़े कर दो,
टुकड़े किए। फिर आपने फरमाया जिसके पास घी है वो घी लाए, फिर उसके ऊपर घी निचोड़ के उन रोटियों के टुकड़े करके उनकी चूरी बनाई। तो आपने उसको बड़ी सी प्लेट में रख के फरमाया 10-10 बंदे लाओ और उनको खाना खिला के फिर बाहर बेचते जाओ, फिर अगले 10 ले आओ। एक प्लेट और 10 बंदों ने पहली दफ़ा खाना खाया, फिर आपने फरमाया जी भर गया, कहा जी भर गया, फरमाया आप उठ के चले जाओगे, फिर 10 और रख जाओ, फिर 10 और, फिर 10 और। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 8 मरतबा 10-10 बंदे आए तो 80 बंदों ने एक प्लेट से जी भर के खाना खाया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। फिर आपने एक बड़ी और ख़ूबसूरत बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के ऊपर महमूद ये बात की, कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसके रावी। फरमाते हैं हम एक जगह बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए लुकमा बनाया, जब उसको लाए ना यहाँ पे, तो फरमाया वो लुकमा तस्बीह पढ़ता था वो लुकमा, और बुखारी ने लिखा नस्माओ अस्माओ नहीं, वो कहता है मैंने नहीं सुना, नस्माओ वहाँ जितने बंदे बैठे थे सब ने उस लुकमे से तस्बीह की आवाज़ को सुना। वो जो है हमारे ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, वो इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को ज़िंदा कर देना तो बड़ा कमाल है, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को ज़िंदा कर देना तो बड़ा कमाल है, लेकिन ये सोचो कि वो मुर्दा कभी ज़िंदा था, वो मुर्दा कभी ज़िंदा था, और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत से लुकमे ने तस्बीह पढ़ी ये उससे बड़ा कमाल है, इसलिए कि ये कभी ज़िंदा था ही नहीं, ये कभी ज़िंदा था ही नहीं, कि उस नौरानी उंगलियों के पोरों की बरकत से उस तस्बीह उस लुकमे में इतनी जान आ गई कि वो तस्बीह पढ़ता था। फिर इसी के साथ हदीस लिखी कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सुतून पे टेक लगा के दरस देते थे, सुतून पे आपने वो खुतबे वाला डंडा रखा हुआ नहीं, रखा मेंबर बनाया हुआ, ये नहीं मेंबर है, या डंडा ले आओ या खुतबे वाला मेंबर ले आओ। उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे यहाँ उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वो आपके सीने के साथ लगा होता था, ऐसे नहीं कोनी रखते थे वो, ऐसे कि अगर यहाँ पे हो ना तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के, तो यहाँ सीने ऐसे इसके साथ सीना सुतून के साथ लगा होता था ऐसे, तो आप खुतबा इरशाद फरमाते थे। तो एक खातून कहने लगी हुजूर मेरे पास एक तरखान है बड़ा ज़बरदस्त, अगर आप कहें तो मैं उससे कह कर एक मेंबर बनवा दूँ, आप मेंबर पे बैठ के खुतबा दिया कर। आपने फरमाया ठीक बनवा दो, अगले जुमा में मेंबर आ गया, तना जो है वो उठा के उधर रख दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते मस्जिद से बच्चों की तरह रोने की सिसकियों की आवाज़ आई, सिसकियों की आवाज़ आई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब देख रहे हैं, सहाबा ने देखा बच्चा कौन रो रहा है, कोई नहीं नज़र आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर शरीफ से उतरे और उस तने को जाके आपने इसे सीने से लगाया। उसको तीन आपने ऑप्शंस दी, उसको तीन आपने ऑप्शन दी, फरमाया इसे बेहतर जगह पर लगा देता हूँ, इसे बेहतर जगह पर लगा दो। दूसरे नंबर पर ऑप्शन दी तेरी लकड़ी को किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तीसरी आपने उसको ऑप्शन दी कि अगर तू हमें ये कहे तो हम तुझे यहाँ से उठा के जन्नत में लगा दें। तो उसने कहा हुज़ूर ये तीसरे वाली ऑप्शन ठीक है, मुझे जन्नत में लगा दें। ये ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की शरह नेमतुल बारी में सारी तवातुर के साथ हदीस लिखी है, पहले ये फिर कहाँ कहाँ बात हुई, सारा मवाद इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ हम कलामी की और उस दरख्त के तने ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की,
آپ نے اس کی بات سنی، اس کو جواب دیا، اس کی تسکین فرمائی، اور نتیجہ تن اس کو وہاں سے جنت میں نصف فرما دیا۔ تو جنت ہے گی کوئی نہیں ہے تھے ہوتے ہوتے، ایسے ہی کرنا تھا نا، ایسے کر کے ایسے کرنا تھا، بس اور کیا کرنا تھا۔ ان کے لیے تو ساری چیزیں سامنے، رب ان کی عزت کے معاملے میں بڑا غیرت والا، رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں بڑا غیرت والا ہے۔ وہ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا۔ جب آپ معراج سے واپسی آئے نا، تو مشرکین نے مکہ سے کہا کہ میں مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کمال کرتے ہیں آپ، ہمیں دو مہینے لگتے ہیں، آپ راتوں رات ہوا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں مسجد اقصی سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں مسجد اقصی کیسی تھی۔ حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، تو میں پریشان ہو گیا، تو اللہ نے میری پریشانی ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ مسجد اقصی اٹھا کے میرے سامنے کر دیا۔ میں نے دیکھا مسجد اقصی کو اور بتایا فلاں شے ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے۔ تو رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دکھانے کے لیے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا، جو چاہتا ہے۔ ویسے یہ پانی تھوڑے کا زیادہ کر دینا، خالی کا بھر دینا، نیچے والے کا اوپر کر دینا، یہ حضور کی امت میں عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے ہاں تصوف کی ایک کتاب اور عدو وظائف پہ پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ دلائل اس کے مصنف ہیں محمد بن سلیمان الجزولی، شافعی نقطہ نظر کے بندے، زور پڑھتے ہیں اول وقت میں۔ کہنے لگے میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو پانی نہیں تھا، میں نے تلاش کیا تاکہ شریعت کی حجت پوری ہو جائے، نہ ملا تو پھر تیمم کر لے۔ تو کہا مجھے ایک گھر نظر آیا، میں نے کہا اس گھر والے سے پتہ کرتا ہوں کہ شاید پانی مل جائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی، وہ کہنے لگی بابا جی کیا چاہیے؟ کہا پانی چاہیے۔ کہا وہ کنواں ہے، وہ کنواں ہے۔ کہا کنواں ہے، پانی نیچے ہے، ڈول نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو کہا اتنے بڑے بزرگ پانی نہیں نکال سکتے؟ کہا ڈول نہیں ہے بیٹے۔ تو کہا ویسے نہیں نکال سکتے؟ کہا نہیں۔ تو کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ چھوٹی سی بچی گئی، اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تو کنواں سارے کا سارا اوپر آ گیا، سارے کا سارا۔ چلی گئی واپس، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر دوبارہ اس کے پاس گئے۔ فرمایا بیٹے کیا کرتی ہو؟ تو اس نے یہ نہیں کہا میں میراتھن ریس میں جاتی ہوں، ہاں جی، اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ کہا مجھے بتاؤ؟ کہا نہیں بتا سکتی۔ اسے بڑے وعدے لیے کہ یہ کتمان علم ہو جائے گا کہ حضور کی امت کو یہ بات چھپا کے آپ چلی جاؤ گی تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا نام نہیں لیں گے اور خاص کر کے یہ درود شریف نہیں بتائیں گے۔ اب انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ ایک ایسا بھی درود ہے کہ اگر تم اس کو پڑھو تو زمین کے ساتھ لگا ہوا پانی اوپر آ جاتا، زمین کے ساتھ لگا ہوا پانی اوپر آ جاؤ۔ میں اس کا نیگیٹو جواب بھی آپ کو بتاؤں گا، نیگیٹو بھی، میں پہلے پازیٹیو بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے ایک درود شریف کی کتاب لکھی، نام اس کا رکھا دلائل الخیرات، اس کے اندر وہ درود شریف لکھ دیا، بتایا نہیں کون سا ہے، بتایا نہیں کون سا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ حصے میں نے بنا دیے، ہر روز ایک حصہ پڑھ لو تو ایک ہفتے کے بعد وہ درود شریف تمہاری زبان سے ادا ہوگا جو وہ بچی پڑھتی تھی جس کی وجہ سے پانی اوپر آ جاتا تھا۔ کوئی بندہ یہ سوال، یہ اس کا نیگیٹو سوال ہے، کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ بھائی جی یہ این جی لعاب سٹن کھوتے آ جاندے نے تے دلال الخیرات راوی دے پل دوتے پڑھ لو جا کے، وہ نہیں اتنے آئے گا، وہ اتنے، اس کو جواب نہیں دینا یہ والا جو میں دینے لگا ہوں، کیونکہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کو کیا پتہ، بیمار کو کیا پتہ۔ چلو بابا جی چوکے سائڈ سے کر دیو، بابا جی نے چوکے، وہ حدیث تو یاد ہے نا
कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब शरीफ डाल के पानी ऊपर कर दिया था। तो आप ही के ज़माने में कहत पड़ा था, तो आपने तो कोई दरिया जारी नहीं किया। ये सवाल इधर कर रहे हो तो उधर क्यों नहीं कर रहे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करो, पता चल जाएगा तुम्हारा ईमान किधर जाता। याद रखें, ये जो करामत का ज़ुहूर होता है ना, इसका प्रैक्टिकल लाइव से एक लम्हे का ताल्लुक होता है बस। इसके बाद प्रैक्टिकल लाइव और होती है, करामत और होती है। कोई भी बड़ा से बड़ा दुनिया जहाँ का वली, बहुत बड़ा, हर वक्त इस कैफियत में नहीं होता कि वो हर वक्त ही कुछ ना कुछ दिखा सकता। आम बंदों की तरह के वो बंदे होते। मैं इसमें आपको हदीस सुनाने लगा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद बैठे हुए थे, तो सईद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पेश किया, तो आपने ऐसे करके उनकी तरफ चेहरा देखा। फरमाया, कौन हो? हो सकता है दिया ना जल रहा हो, अंधेरा हो, लाइट तो होती नहीं थी उस वक्त, तो अंधेरे की वजह से आपने पूछा कौन हो, तो उन्होंने बता दिया, कहा हुज़ूर मैं आयशा। लेकिन अगली बात ने सारा मसला खोल दिया। आपने फरमाया, कौन आयशा? एक पढ़े लिखे ज़हीर बंदे को जब यह बात बताई जाए कि बीवी नाम बता रही है और वो बता रही है मैं आपकी बीवी हूं, और आप आगे से क्या रिस्पॉन्स दे रहे? आपने फरमाया, कौन आयशा? कहा, अबू बकर की बेटी। तो कहा, कौन अबू बकर? कहा, अबू कुहाफा के बेटे। कहा, कौन अबू कुहाफा? सईद आयशा सिद्दीका कहती, मैंने फिर कोई बात नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाइफ या जो मामूलात थे उसके बाद मेरे पास आए, तो आपने आके फिर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अर्ज़ की, हुज़ूर मैं आपके पास आई थी, तो आपने फिर कब आई थी? कहा, हुज़ूर वहाँ आप जब बैठे हुए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा, मैंने सलाम की तो आपने पूछा कौन हूँ, तो मैंने कहा आयशा। आपने कहा, कौन आयशा? काबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर? काबू काफा के बेटे। का कौन अबू काफा? आपने फरमाया, सुनो आयशा, मेरा और मेरे रब का एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है जिसमें कोई इंसान और फरिश्ता बीच में नहीं होता। कोई फरिश्ता और इंसान बीच में, उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ले फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब से हम कलामी करते थे उसकी अनवार व तजल्लियात का जो असर होता था, फिर आप सईद आयशा सिद्दीका के पास बैठ के उनको गुफ्तगू करते थे ताकि उसके असरात मेरे अंदर जज्ब हो जाएं और मैं अपनी कैफियत में वापस आ जाऊं। जब नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में सबसे बड़े, वो हर वक्त एक कैफियत में नहीं रहते, तो फिर वली अल्लाह के बारे में कौन ऐसे तसव्वुर कर सकता है कि वो हर वक्त की कैफियत ही चला? इसको बिल्कुल सही तौर पर समझा करें। लोगों के कई सारे मसले इसकी वजह से ख़राब हैं। वलीउल्लाह आम बंदे होते हैं, होते अल्लाह के दोस्त हैं, उनकी कोई कैफियत होती है ख़ास अल्लाह ताला के साथ कुर्ब की, अल्लाह के साथ उनकी दिल लगी होती है, मोहब्बत होती है। ये करामात का ज़ुहूर हर वक्त नहीं होता, कभी कभी होता है, किसी किसी वक्त होता है। जिसकी इबादत उसको जिस मकाम पे लेके गई होती है उतनी अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात बरसती। इसलिए कि इस्लाम ने पेट रूल दे दिया कि तुम जितनी चाहे इबादत करो तुम अल्लाह को थका नहीं सकते, तुम अल्लाह को थका नहीं सकते। अब मुंजर सहाबी हैं, उनकी शादी हो गई, उनके अब्बा जान ने उनकी बीवी से पूछा, इसके मामूलात बताओ। कहा, कर मैं क्या बताऊँ, रात को नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, सुबह रोज़ा रख लेता, मैं क्या बताऊँ? तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया कि 30 दिन में कुरान पढ़ा करो और पीर और जुमरात का रोज़ा रखो। कहने लगा, मैं ज़्यादा ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, अयाम 20 के रोज़े रख लो, 13, 14, 15, और 10 दिनों में कुरान ख़त्म कर लो। उसने कहा, मैं इससे ज़्यादा रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, 3 दिन में कुरान ख़त्म कर लो और 100 में दाऊदी रख लो, 1 दिन रोज़ा, 1 दिन अफ्तार, 1 दिन। कहने लगा, मैं इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, इससे ज़्यादा सवाब वाला रोज़ा कोई नहीं है, इससे ज़्यादा सवाब वाला रोज़ा कोई नहीं, 3 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन रख लो। उस सहाबी ने, वो मुंजर ने कहा कि मैं ताकत इससे ज़्यादा रखता हूँ। तो आपने फरमाया, तू रब को थका नहीं सकता। उनको कहा, तू रब को थका,
अगर तू सारी जिंदगी खड़ा होकर इबादत करता रहे तो तब भी रब को नहीं थका सकता, इसलिए कि उसने सारी जिंदगी की इबादत का सवाब एक मिनट में दे देना। तू थक जाएगा खुद, तू खुद फिर क्या हुआ, अब वो मंजर कहते हैं बूढ़ा हो गया मैं, अब कोई बीमारी कभी कोई बीमारी तो मुझे घर वाले के रोज़ा छोड़ दो, तो कहने लगे नहीं यार ऐसे नहीं, अब नहीं, जब रसूलुल्लाह ने कहा था तब नहीं छोड़ा, बीमारी के लिए छोड़ दो, तो क्यामत वाले दिन जब हुजूर से मुलाकात होगी तो फरमाया मेरी गलत मन्नी कोई नहीं थी, बीमारी दी वजह तो रोज़ा छोड़ दो, कहा अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा रोज़ा रखता रहूँगा। तो इस्लाम ने यह बताया कि कैफियात बदलती हैं, कैफियात बदलती हैं, औलिया अल्लाह की भी बदल जाती हैं, अम्बिया की भी बदल जाती है, कुछ ख़ास वक्त होता है फिर वो दोबारा नबूवत के दर्जे पे होते हैं, औलिया अल्लाह कुछ ख़ास वक्त होता है जब वो अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास में होते हैं, कुछ वक्तों में वो अपने अजवाज के पास होते हैं। इसलिए उतना ही नज़रिया और अकीदा नेक लोगों के बारे में होना चाहिए जितना इस्लाम ने बताया। हर वक्त का, हर लम्हे का, हर घड़ी कायल दुनिया के किसी पीर को नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे रब की शान है कि अगला पिछला दायां बायां ऊपर नीचे हर शय का इल्म सिर्फ़ हमारे रब को है, बस ये शान सिर्फ़ हमारे रब की है, ये शान सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ये एजाज़ अता फरमाया कि सारी कायनात उनके सामने कर दी, आप जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं मुलाजा फरमा लेते हैं। बड़ा क्लियर करके इस्लाम ने हर बात बताई ताकि कोई बंदा कहीं ठोकर ना खा जाए, जो ठोकर खा जाएगा वो अपने लिए तबाही और बर्बादी का सामान है। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम का फहम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।